नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। और हरियाणा में आज के इस खास बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। और चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। गुरुग्राम से हम खबर आपको बता दें तो इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का दौरा, आज सेक्टर 44 के अप्रैल हाउस में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर 2 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी इसमें रहेंगे मौजूद। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जहां पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु भी रहेंगे मौजूद। तो इस वक्त की बड़ी खबर गुरुग्राम से आपको बता दें जहां दोपहर 2 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का काफी अहम दौरा, अप्रैल हाउस में करेंगे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेक्टर 44 के अप्रैल हाउस में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जहां प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी इसमें शामिल होंगे, साथ ही साथ पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु भी इसमें शामिल होंगे। तो इस वक्त की अहम खबर गुरुग्राम से आपको बता दें जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी इस बैठक में शामिल होंगे। पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु भी इसमें मौजूद रहने वाले हैं। तो काफी अहम ये बैठक, काफी अहम ये दौरा केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया का, जहां आपको बता दें कि काफी अहम ये दौरा कई मायनों में, जिसमें सेक्टर 44 के अप्रैल हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। दोपहर 2 बजे पीसी करेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जहां पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु भी इसमें मौजूद रहने वाले हैं। तो गुरुग्राम से अहम खबर जहां केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया का काफी अहम ये दौरा, सेक्टर 44 के अप्रैल हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। स्वास्थ्य को लेकर के कई सारी अहम चीजें जहां दोपहर 2 बजे पीसी करेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। वही आगमन को लेकर के, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के आगमन को लेकर के तमाम तैयारियां भी की जा रही है और सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। तो फिर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके द्वारा किया जाएगा और उसको लेकर के भी तैयारियां कर ली गई हैं। सेक्टर 44 के अप्रैल हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वही दोपहर 2 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। और इसी विषय पर तमाम जानकारी अपडेट के साथ दीपक ब्यूरो चीफ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, आगमन को लेकर के और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के आने को लेकर के, दौरे को लेकर के किस तरह की तैयारियां? जी बिल्कुल, हाल ही में अगर बात करें केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023 को लेकर के 2024 को लेकर अपना बजट पेश किया था, देश का बजट पेश किया था। उसको लेकर के अब क्योंकि देश के तमाम राज्यों में जाकर के नेता जो है, तमाम मंत्री जो है, सांसद है, उनकी ड्यूटी लगाई गई है कि लोगों को इस विषय में बताएं। तो उसी को लेकर के अगर बात करें तो आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक बुद्धिजीवियों की बैठक एक बुलाई गई है जिसमें केंद्रीय बजट 2023 को लेकर चर्चा होगी। बुद्धिजीवियों की बैठक की बात करें तो अलग अलग वर्गों से, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो शिक्षाविद हो, चाहे वो सामाजिक संगठन से जुड़े लोग हो, RWA हो, ऐसे तमाम लोगों के साथ एक बैठक बुलाई गई है गुरुग्राम के अप्रैल हाउस में। ये बैठक जो है सुबह 11:30 बजे बुलाई गई है, हालांकि 12 बजे के करीब ये बैठक शुरू होगी। और इस बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर, मुख्य वक्ता के तौर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो है मनसुख लाल मांडविया वो पहुंचेंगे। मनसुख लाल मांडविया जो है वो इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे मुख्य वक्ता के तौर पर। हालांकि उनके साथ साथ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ रहेंगे, पूर्व में जो हरियाणा के वित्त मंत्री थे कैप्टन अभिमन्यु वो मौजूद रहेंगे, तमाम और अन्य नेता मौजूद रहेंगे और चर्चा की जाएगी वित्त वर्ष 2023-24 का जो बजट आया है, जो बजट केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया है निर्मला सीतारमण के, उस बजट को यहाँ पर पेश किया जाएगा। और उसके साथ साथ तो उसके बाद दोपहर 2 बजे एक प्रेस वार्ता भी जो है केंद्रीय मंत्री जो है मनसुख लाल मांडविया द्वारा की जाएगी। जी बिल्कुल। और देखिए, काफी अहम ये दौरा कई मायनों में माना जा सकता है, जैसा कि आपने जिक्र किया वित्त वर्ष को लेकर के, साथ ही साथ अगर ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के अहम मुद्दा क्या रहने वाला है? स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा रहने वाला है या फिर प्रमुख विषय कुछ और भी? देखिए, इस बैठक का या इस प्रेस वार्ता का प्रमुख विषय ही बजट को लेकर के है। इसमें तमाम मुद्दे रहेंगे, चाहे वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रेलवे, तमाम ऐसे अलग अलग मुद्दे हैं जिसको लेकर के केंद्रीय वित्त मंत्री ने जो है बजट पेश किया था। ऐसे तमाम मुद्दों को जगह जगह, तमाम जगहों पर जाकर के ऐसी प्रेस वार्ताएं जो है करने का जो प्लान है वो बीजेपी द्वारा किया गया है। तो ऐसे में इसी को लेकर के ये पूरी बैठक पहले आयोजित की गई है 12 बजे, और उसके बाद
2 बजे ये प्रेस वार्ता की जाएगी जिसमें तमाम मुद्दे रखे जाएंगे और उसमें कोई दोराय नहीं है केंद्रीय, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री आए हैं तो स्वास्थ्य को लेकर के भी बात रखेंगे कि देश के अंदर स्वास्थ्य को लेकर इस बजट में क्या रहा, हरियाणा के अंदर बजट को लेकर क्या मिलेगा, गुरुग्राम में क्या सोच है, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के भी केंद्रीय जो स्वास्थ्य बिल्कुल बिल्कुल दीपक, और ये काफी अहम मुद्दे हैं जिस पर बातचीत और इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आज केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया जाएगा। आपको बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।